तो भाई बताइएगा, आज क्या ऑर्डर हुआ कोर्ट में जो आपने एप्लीकेशन लगाई थी इस रेफरेंस की वापसी की, क्या ऑर्डर हुआ इस पर? एप्लीकेशन जो लगाई थी वो अलाउ हो गया और ये जो मुकदमा है ये वापस डेप को भेज दिया गया है। ठीक है। और चार बरस हमने इसको फेस किया, चार बरस से हम कोर्ट में आते रहे, हर पेशी पे आता रहा, फिर से हाई कोर्ट में रहे और वहाँ का भी जजमेंट ये था कि ये मुकदमा बदनीयती पे मेरे ख़िलाफ़ कायम किया गया, ये एक फरमाइशी मुकदमा था और मैं तो चाहता था कि हर रोज़ की बुनियाद पर ये मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर कानूनी भर्तियाँ थी और बोर्ड ने की थी और पूरे सिंध में की थी, इसमें कोई सियासी भर्ती नहीं थी, इसमें कोई रिश्ते नाते नहीं थे, इसमें कोई लसानी बुनियाद नहीं थी, बल्कि बिला किसी तफरीक के मेरिट पे दी गई थी, बाकायदा सिलेक्शन कमेटी ने की, फिर बोर्ड ने उसको अप्रूव किया। मेरा नाम तो फरमाइशी मुकदमे की सूरत में, जितने मेरे मुकदमात हैं वो सब फरमाइशी मुकदमात थे और अब ये मुकदमा फिर वापस नैब अदालत को और नैब के इन्वेस्टिगेशन ने ये पूरा उठा के देख लिया रेफरेंस, उसने किसी एक जगह भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ये नहीं लिखा है कि ये जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं इसके अंदर कोई करप्शन हुई है। और फिर आला अदालत सिंध हाई कोर्ट ने इस मुकदमे की समाज जो जमानत के ऊपर थी उसमें उन्होंने कहा कि ये जो कौमी खजाने के नुकसान की बात हो रही है इसमें कितना नुकसान पहुँचाया गया, जब मुलाजमीन को तनख्वाहें दी जा रही हैं तो उनकी तनख्वाहों की वजह से खजाने को नुकसान कैसे हुआ, वो परफॉर्म तो कर ही रहे हैं। तो ये इस तरीके से ये मुकदमा चलाया गया, चार बरस में मेरा नाम ECL में डाला गया, चार बरस से मेरा नाम ECL में डाला गया, चार बरस से ये मुकदमा मेरे नाम पर रजिस्टर्ड किया गया, वजारत कानून हमारी थी लेकिन बेबस थी और इसका और मैं तो हर किसी से कोई गिला नहीं करता, मेरी एक पिटीशन वो आसमानों पर रजिस्टर्ड है, वो मुकदमा चलेगा आसमानों पर चलेगा, दुनिया के लिहाज से तो मैं दरगुजर करता हूँ, माफ़ करता हूँ। अच्छा, इसमें एलिगेशन क्या था, कितनी अपॉइंटमेंट की का एलिगेशन था? मुझे तो ये भी नहीं मालूम यार, 450 के करीब थी और वो भी 2 ग्रेड 3 ग्रेड की और न्यू अपॉइंटमेंट भी नहीं थे, बल्कि ये रेगुलराइज किए गए थे, उनको पक्का किया गया था, कच्चे थे ये। तो मैंने मेरा ये हमेशा से उसूल रहा है और मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत डेली वेजेस पे कैसे मुलाजमतें दे रही है, हुकूमत पक्की नौकरियाँ दे ताकि उनके ऊपर ये जिम्मेदारी रहे कि वो हुकूमत के मुलाजमीन हैं और परफॉर्म सही करें, डेली वेजेस पे आज हैं कल चले जाएंगे, कौन पूछेगा उनसे। और दो दो चार चार ग्रेड के लोग थे, आप अंदाज़ा बताइए, इंजीनियर पीओन की नौकरी के ऊपर, मास्टर्स पीओन की नौकरी के ऊपर, पता नहीं कैसे दिल गुर्दा है वज़ीरों का, तमाम मिनिस्टर्स का, कि इतनी हाईली क्वालिफाइड मिनिस्टर से दुगने पढ़े लिखे लोग, दो दो ग्रेड पांच पांच ग्रेड और जूनियर कलर्क, तो ये तबाही तो आएगी ना। तो ये और हर जगह ही ऐसे हुआ है। और मैं साथ साथ आज फिर एक बात कर रहा हूँ कि ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन में जिस तरह डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, गैर आइनी काम किया गया है, गैर कानूनी काम करा के ये इलेक्शन कराए गए हैं, 25,000 और 1,00,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाकर डिस्क्रिमिनेशन, और सबसे बड़ा जुल्म सेंसस में मर्दमशुमारी में 1.5 करोड़ लोगों को आपने मार ही डाला, नाम ही निकाल दिए, मर गए वो। अब इस शहर में हर चीज़ पे इसका इफेक्ट हुआ है, बजट में हुआ है, 3 करोड़ की आबादी का 1.5 करोड़ का पैसा आएगा तो क्या होगा, यही तो होगा ना, कचरा कुंडी बनेगा। इतना बड़ा पाकिस्तान का शहर जो माशी शहरग है, जो पूरे पाकिस्तान को कमा के देता है, आपने इसको इतना एहसास महरूमी में मुबतला कर दिया है कि ये एहसास महरूमी अब शिद्दत से गुजर कर गुस्से में तब्दील होता चला जा रहा है, इसको जितनी जल्द एड्रेस कर सकते हैं करना चाहिए। अभी ये जो डिजिटल मर्दमशुमारी होने जा रही है, इस पर क्या मौक़िफ़ है आपकी जमात का, आपका क्या कहना है? ठीक है, आप डिजिटल करें जो भी करें, लेकिन जहाँ पर आपको मैनुअल काम करना है वहाँ पर तो आप कम से कम एहतियात करें, डिजिटल तो आप कर ही रहे हैं, जहाँ मैनुअल होगा गांव गोटों में किस तरीके से होगा, जो 50-50 झोपड़ियाँ जहाँ पे हैं वहाँ पे आप डिजिटल लेके जाएंगे। तो ये हर फर्द को जो मर्दमशुमारी का है, पूरी ईमानदारी के साथ पूरे पाकिस्तान के शहरियों को गिनती गिन लें और उसको चलाएँ, क्योंकि ये इस तरह फायर फाइटिंग करके